जो लोग वास्तव में कुछ करना चाहते हैं वो अपना रास्ता ढूंढ ही लेते हैं, और जो लोग कुछ करना नहीं चाहते हैं वो बहाने बनाते रह जाते हैं। तो ऐसा ही पहले मैं करती थी, काफ़ी बहाने बनाती थी, पर अब बहाने बनाना छोड़ दिया। कोशिश कर रही हूँ अपनी हेल्थ को ठीक करने की। तो यहाँ पर सुबह का वक्त हो गया है, अपने थायराइड की मेडिसिन के साथ ले लिया है मैंने 3 ग्लास गुनगुना पानी, और उसके बाद सबसे पहला काम करती हूँ अपने डिटॉक्स वाटर को बना देती हूँ, क्योंकि उसके बाद फिर 2 घंटे बाद इसको कंज्यूम करना होता है। तो मैंने डाल दिया है इसमें खीरा, गाजर, दालचीनी का टुकड़ा, अदरक, पुदीने के पत्ते, थोड़े से मैंने डाले हैं इसमें मीठे नीम के पत्ते। तो इन सारी चीज़ों को डालने के बाद मैं रख दूंगी और 2 घंटे के बाद फिर इसी पानी को पीना शुरू करूंगी। डिटॉक्स वाटर बनाने के बाद मैंने बनाया हस्बैंड के लिए और बच्चों के लिए नाश्ता। फिर उसके बाद मैं आ गई थी ऊपर, क्योंकि मैं तो करूंगी पहले एक्सरसाइज, फिर उसके बाद ही कुछ खाऊंगी पीऊंगी। तो आज मैंने की थी 15 मिनट ट्रेडमिल, देन उसके बाद की थी अपनी नॉर्मल वाली एक्सरसाइज। ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं की थी आज, 15 मिनट ही एक्सरसाइज की थी। एक्सरसाइज चाहे थोड़ी देर करें चाहे ज़्यादा देर, लेकिन अपने रूटीन में अगर शामिल कर लिया है तो ज़रूर करनी चाहिए। फिर आ गई थी अपनी बालकनी में, थोड़ा सा प्लांट्स को पानी दिया। ये है मेरा हैप्पी प्लेस। हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी संडे मॉर्निंग। आज है संडे और आप सभी का दिन आज बिजी होने वाला है, मेरा भी दिन बिजी होने वाला है, क्योंकि संडे का आज सबका रूटीन चेंज हो जाता है। तो मॉर्निंग आज लेट हुई क्योंकि रात को लेट सोए थे और काफ़ी देर तक फिर मुझे नींद भी नहीं आई थी। तो आज मॉर्निंग में मैं 8 बजे उठी, फिर उठकर अपनी थायराइड की दवाई ली, 3 ग्लास पानी पिया, फ्रेश अप हुई, फिर सबके लिए बनाया नाश्ता, फिर गई मैं ऊपर, आधा घंटे एक्सरसाइज की, 15 मिनट किया मैंने ट्रेडमिल और 15 मिनट की मैंने नॉर्मल एक्सरसाइज। उसके बाद नीचे आके बना ली अपनी फैट कटर डिंक, जिसमें कि वही डालती हूँ मैं डेली, अदरक, थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा, आधा चम्मच सौंफ, आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच कलौंजी। इन तीनों ही चीज़ों के, सारी चीज़ों के बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स हैं और हमारी किचन में आराम से मिल जाते हैं। ये टमी के फैट को, पूरी बॉडी के फैट को कम करता है। तो कम से कम 1 वीक मैं इसको पीऊँगी, उसके बाद कोई और ड्रिंक ट्राई करूँगी। तो मुझे ये सूट कर रहा है, तो गुनगुना मैं इसको पीऊँगी सिप सिप करके। तो ये है मेरी फैट कटर ड्रिंक, इसको मैं सिप सिप करके पीऊँगी। और आज का दिन बहुत बिजी होने वाला है क्योंकि बेटी का बर्थडे है। तो मिलेंगे आपसे आगे। अभी बज रहे हैं सुबह के 10:30 और मैंने काफ़ी सारे देखे तरबूजे काट लिए हैं। ब्रेकफास्ट में मैं इसी को करूँगी क्योंकि अभी सीज़न में है और जल्दी ही चले जाएंगे, तो मैं सोच रही हूँ जितना इनको खा सकूँ उतना अच्छा है। तो पेट भी भर जाता है और देखिए फैट भी नहीं भरता है, तो काफ़ी अच्छा फ्रूट है गर्मियों का ये। तो अपनी डाइट में हमें इसे ज़रूर शामिल करना चाहिए, सुबह या शाम कभी भी एक वक्त ज़रूर खाना चाहिए इसको, और काफ़ी सस्ता भी मिल जाता है। तो मैं खाऊँगी ये देखिए इतना सारा तरबूज। फ्रेंड्स, बहुत दिन से सोच रही थी कि बेटी का रूम थोड़ा डेकोरेट कर दूं, तो आज बर्थडे के दिन मैंने उसके लिए निकाल लिए हैं बहुत सारे बचपन से लेके अब तक के पिक्चर्स। तो यहाँ पे लाइट पे मैंने लगा दिए हैं उनको, बहुत अच्छे लगती है जब ये जलते हैं। तो कुछ कोटेशंस के फ्रेम मंगाए थे फ्लिपकार्ट से मैंने, वो लगा दिए हैं वॉल पर। उसके बाद नीचे लगा दी है एक मैट, उसके ऊपर 8 इंच का स्लीपी कैट का मैट्रिक्स मंगाया था हमने ऑनलाइन, वो लगा दिया है। 2 महीने से हम इसे यूज़ कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा है। और उस पर लगा दी है नई बेड शीट, और बेटी अभी आई नहीं है, आएगी तो बहुत खुश होगी। और ये देखिए कपड़े वाली पेंटिंग हम लाए थे जैसलमेर से, अब इसको भी लगा देते हैं, काफ़ी दिन से रखी थी ये। फिर नीचे आ गई लंच की तैयारी की मैंने, तो यहाँ पर मैंने दही को फेंट रही हूँ। फिर मैंने काट लिए हैं चुकंदर, गाजर, शिमला मिर्च, प्याज और खीरा, छोटा छोटा काट लिया है, उनको डाल दिया है अपने दही में, और अच्छे से मिक्स करने के बाद थोड़े से मसाले डाल देंगे। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ पिंक सॉल्ट, थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा काला नमक और लाल मिर्च पाउडर, अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। तो वेजिटेबल रायता हमारा बनकर तैयार हो जाएगा। रायते के साथ खाने के लिए मैंने बनाया है सोयाबीन का पुलाव। तो ये है मेरे आज दोपहर की लंच थाली, काफ़ी सारा कलरफुल सैलेड बनाया है, 2-3 अचार लिए हैं लसोड़े के, और चावल लिए हैं सोयाबीन डाल के बनाए हैं पुलाव, और सोयाबीन ज़्यादा है, चावल कम है, और चावल की क्वांटिटी मैंने आधा कर दी है, और इससे डबल खाती थी मैं। और यहाँ पे एक कटोरी भर के मैंने लिया है मिक्स वेजिटेबल रायता। तो फ्रेंड्स, आज है संडे का दिन और संडे का दिन बहुत ही बिजी का डे होता है। तो दोपहर के बज गए हैं 2:30 और मैंने लंच में जल्दी से बना लिए हैं सोयाबीन डाल के राइस, और 2-3 अचार लिए हैं, खूब सारा सैलेड लिया है, और मिक्स वेजिटेबल रायता बनाया है जिसकी रेसिपी मैंने आपको दी है। काफ़ी टेस्टी रायता बना है और हल्का ही बनाया है क्योंकि बेटी का बर्थडे है तो शाम को जाना है बाहर, वो बोल रही थी बाहर ही सेलिब्रेट करेगी, तो इसीलिए मैंने सोचा कि हम आज लंच लाइट ही बना लेते हैं। और काम भी बहुत सारा था, ऊपर सारा रूम तैयार किया बेटी का, अभी वो आ रही होगी तो देखेगी। तो हर चीज़ को हमें चबा के खाना है क्योंकि हम कर रहे हैं 32 बार, सैलेड हो, राइस हो,
आपका रोटी हो, पराठा हो, जो भी खाएंगे धीरे धीरे खाएंगे, चबा चबा के खाएंगे। चावल को कैसे चबाएंगे कि अपना सैलेड डाल लीजिए उसमें, या प्याज डाल लीजिए, प्लेन चावल हो दाल के साथ खाने हो। अभी मैं राइस के ये जो रायता बनाया है इसके साथ खाऊंगी, इसमें डाली हैं बहुत सारी सब्जियां, तो वैसे ही 32 बार वो चबा चबा के हो ही जाएगा। तो जो भी खाएंगे चबा चबा के खाएंगे, स्लो ईटिंग करेंगे। तो शांति से खाने के लिए मैं आ गई हूँ ऊपर और आराम से खाऊंगी अपना लंच। तो चलिए आप भी कर लीजिए मेरे साथ लंच। और मिल ये नीचे से ऊपर तक हमने बनवा दी हैं अलमारियाँ, इसमें अब इसमें कवर लगेंगी, देखेंगे कैसे लगवाने हैं, क्योंकि हमारे यहाँ दीमक है, नीचे फर्नीचर बनवाया था तो उसमें दीमक लग गई है। और यहाँ पर देखिए उसके मैंने कुछ फोटोग्राफ्स निकलवाए हैं काफ़ी सुंदर सुंदर से, उसके बचपन से लेके तो घर से ही निकाले हैं प्रिंटर से, इनको मैंने यहाँ लाइटिंग में लगा दिया है, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। देन यहाँ पर नया गद्दा मंगाया है 8 इंच का, वो लगाया है, नीचे ही लगाया है, अभी बेड नहीं मंगाया है। और इस वॉल पर लगा दिए हैं 4 कोटेशन, और गर्मी बहुत रहती है हमारे यहाँ तो एसी के बिना तो सर्वाइव कर नहीं सकते हैं। और यहाँ विंडो पर देखिए कर्टिन लगा दिए हैं और मनी प्लांट की वेल। और इस वॉल पर है केबल घड़ी और एक कोटेशन वाला फ्रेम, तो ये मैंने अपनी बेटी का रूम तैयार कर दिया है। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो बेटी बहुत खुश हुई थी अपने रूम को डेकोरेट देखकर, और देख रही है अपने फोटो, कुछ फोटो देख के उसे आ रही है हंसी, कैसे फोटो मेरे क्यों लगा दिए हैं। खाने के 1 घंटे बाद मैंने पिया गुनगुना पानी, फिर उसके बाद पूरे दिन भर मैं पीती रही हूँ अपना डिटॉक्स वाटर सिप सिप करके। तो फ्रेंड्स हम लोग हो गए हैं तैयार, जा रहे हैं बाहर बेटी का बर्थडे सेलिब्रेशन करने, उसे घर पे बर्थडे मनाना नहीं है, तो फिर हम सभी लोग तैयार हो गए, बस निकल रहे हैं बाहर और मिलेंगे आपको बाहर ही हम। तो बेटी ने ही गूगल पर देखकर अपने लिए बुक करवाया था रूफ टॉप, तो वहाँ पर ही हम लोग आ गए हैं। और केक कटिंग के बाद जो है सभी लोग फोटोग्राफी कर रहे हैं, वीडियोग्राफी कर रहे हैं, और म्यूज़िक मैंने ऑफ कर दिया है वरना कॉपीराइट आ जाता है। फिर अब हम लोग आ गए हैं ऊपर, बैठ गए हैं, कर रहे हैं गपशप, ये है हमारा फैमिली टाइम और ये है मेरी फैमिली। तो प्लेटिंग हो गई है सबकी और खाना आने वाला है, खाने से पहले कुछ स्टार्टर ऑर्डर किए हैं वो खाएंगे हम लोग, देन उसके बाद ये है मेरी प्लेट। तो अब मैंने इतना ही खाना खाया है 32 बार को करते हुए। प्लेट में जो खाना लिया था उसको मैंने धीरे धीरे
चबा चबा कर खाया, पोर्शन कंट्रोल किया, ज़्यादा खाना नहीं खाया शाम को। और बर्थडे के बाद देखिए सभी लोग आए थे बाहर, तो उन्हें खानी थी आइसक्रीम, तो रास्ते में सभी लोगों ने अपनी अपनी फेवरेट आइसक्रीम ले ली, लेकिन मैंने आइसक्रीम नहीं ली है क्योंकि मीठे पर मैंने किया है कंट्रोल, और मीठा तो सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। और देखिए सेलिब्रेशन अच्छे से हो गया, बेटी के मनपसंद जैसा वो चाहती थी वैसा, और उसके बाद खूब सारी मस्ती की। तो आज का ब्लॉग बर्थडे ब्लॉग और डाइट ब्लॉग दोनों ही हैं, तो प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।